किसी ने भी कुछ कहना हो तो अपना ऑडियो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अभी। और थोड़ा सा परिचय मैं अपना दूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे शायद कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है डी केमिस्ट के सामने फर्स्ट फ्लोर पर, और मैं फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीजी नेशनल पर, मेरे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, और कई कॉरपोरेट ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेरी हेल्थ टॉक्स होती रहती हैं। ये जो आज मैं टॉक आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ, आयुष संवाद, ये बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है पब्लिक अवेयरनेस टॉक्स करवाने का। 5 लाख लेक्चर्स करवा रहे हैं वो, ताकि आयुर्वेदा के बारे में और COVID-19 के बारे में आम जनता को पता लगे कि कैसे आप कुछ हद तक अपना बचाव कर सकते हैं, और उसी के बारे में आज आपको बताऊंगी। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, इससे पहले अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए प्लीज। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। डॉक्टर जब स्टार्ट करें उसके बाद आपके पास जो जो किसी की कोई समस्या है आप उनसे भली भांति पूछ सकते हैं। आप आपका आप अपना परिचय देके आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हाँ, ये विजिबल है स्क्रीन सबको? मांगा जी, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? मेरे को विजिबल है, बाकियों को मैं पूछ लेता हूँ। क्या सबको डॉक्टर मिसेस रीना की आवाज और स्क्रीन पे विजिबिलिटी आ रही है? विजिबल विजिबल है। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप हेल्थ के और भी मेरे अपडेट्स देख सकते हैं, डॉक्टर रीना अरोड़ा, और मैं एडवाइजर हूँ नस्या दिल्ली की। मैंने योगा कोर्स भी किया हुआ है और नारी शक्ति की प्रेसिडेंट हूँ मैं। आयु संवाद, आयुर्वेदा फॉर COVID-19, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो इस कोविड पेंडेमिक ने सबको समझा दिया है कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, सबसे पहले आपकी हेल्थ है और आपकी अपनी जिम्मेवारी है वो। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक इनिशिएटिव है पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो मैं करने जा रही हूँ आज। ये एक NABH एक्रेडिटेड टर्शरी केयर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जो 3 आयुर्वेदा के सेंटर्स बने हुए हैं कोविड हॉस्पिटल्स। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आम पब्लिक में, तो अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं या बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, स्ट्रेस है, तो जो आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े बिल्स आपके बनेंगे। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम आयु मीनिंग लॉन्ग लाइफ एंड वेदा मीनिंग नॉलेज। हर व्यक्ति चाहता है आज कि उसकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, खुश हो, और ये आयुर्वेदा ही दे सकता है हमें, क्योंकि आयुर्वेदा एक नॉलेज सिस्टम है हेल्दी और हैप्पी लाइफ का। इसमें बीमारी तो ठीक करते ही हैं हम, वेलनेस को कैसे मेंटेन करना है ये भी आयुर्वेद में वर्णित है। खुशी कैसे आपको मिल सकती है, ये आयुर्वेद से मिल सकती है, क्योंकि एलोपैथी या किसी भी दूसरे सिस्टम में अक्सर क्या होता है, आप एनुअली अपने लैब के टेस्ट करवा लेते हैं और आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरह से हेल्थी हूँ। क्या खाली लैब पैरामीटर टेस्ट करवा के आपको लगता है कि आपकी हेल्थ मेंटेन्ड है? नहीं, आयुर्वेद में अगर आप हेल्दी तब हैं अगर आप मानसिक तौर पे भी खुश हैं, कंटेंटमेंट है आप में, और आपके पैरामीटर्स भी ठीक हैं, आपका पेट साफ हो रहा है, आपको भूख लग रही है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं। अदरवाइज क्या होता है, लोगों के पैरामीटर सब थोड़े बहुत डिरेंज्ड आए या ठीक आए, उसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया, उसके अलावा कुछ इंडिकेशन नहीं। किसी पेशेंट के, अगर मान लो कोई पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे आए और वो सारी रिपोर्ट्स दिखाए और बोले कि ये मेरे लाल पैथ से मैंने करवाई है और ये मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है मैम, और अगर मैंने कुछ पूछा तो उसी टाइम उसका रोना शुरू हो गया, तो ये एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन नहीं है। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ भी होनी चाहिए आपकी। आयुर्वेदा इज रूटेड इन कम्युनिटी, इसीलिए पब्लिक हेल्थ में हेल्पफुल है। हमारी दादी नानी के टाइम से ये लोग अगर किसी को चोट लगती थी बोलते थे हल्दी वाला दूध पी लो, हल्दी लगा लो, तो ये तो हमारे सदियों से हमारे नस नस में बसा हुआ है आयुर्वेद।
इसलिए इसमें पोटेंशियल है हेल्थ और वेलनेस फॉर ऑल जो WHO का इनिशिएटिव है उसको रीच करने का। आयुर्वेद का जो एम है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और रोगी व्यक्ति के रोग को ठीक करना है। खाली बीमारियों को ठीक करना आयुर्वेद का लक्ष्य नहीं है, इसमें प्रिवेंशन बताते हैं हम कैसे बीमारियों से बचे, हेल्थ को कैसे प्रमोट करें प्रमोशन, फिर उसकी मेंटेनेंस, तो ये आयुर्वेद के मेन एम है, और मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, और इसमें डाइट स्लीप और सेलिब्रेसी ये तीन इसके पिलर्स हैं। यानी आपका जो डाइट है वो बेस्ट हो, नींद आपकी प्रॉपर हो, सेलिब्रेसी मतलब एब्सटिनेंस या ब्रह्मचर्य है, इसका मतलब खाली एब्सटिनेंस नहीं ब्रह्मचर्य, यानी ये जो शरीर है ये ब्रह्म है और इसकी आप कैसे रक्षा करते हैं ये है ब्रह्मचर्य। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा, क्या इसकी शक्तियां हैं। एक तो ये प्रिवेंशन में काम करता है, एक ट्रीटमेंट में, एक हेल्थ के रिस्टोरेशन में। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्वालिटी एंड सेफ्टी एफिकेसी एश्योर्ड है, इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स अवेलेबल हैं, रिजुविनेशन थेरेपीज हैं जैसे सारी दुनिया रिवाइटर लेती है रिजुविनेट होने के लिए, पैलिएशन थेरेपीज हैं, होलिस्टिक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें कई चॉइसेस हैं ट्रीटमेंट के जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। योगा, पंचकर्मा, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग है और टाइम टेस्टेड है ये। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, हर तरह से हेल्थ को मेंटेन करने में आयुर्वेद हेल्प कर सकता है। एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी, पहली वेव से जो इंडिया बचा था इतने अच्छे से, आयुर्वेद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब जो लोग हैं लीनियंट हो गए हैं, इसीलिए ये हाल हो रहा है। प्लीज सभी अपने माइक को अभी म्यूट कर दीजिए क्योंकि क्लियर आवाज नहीं आएगी, नहीं तो मेरी बाद में बोलिए आप जो भी जिसने बोलना है। एक्सेप्टेंस बाय द कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी इसे एक्सेप्टेड है ये। फिर इसमें एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, इसमें कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाए और बीमारियों से बचा जाए, और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट और लाइफस्टाइल बताई गई है, होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हर व्यक्ति की जो है वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसके लिए एक यूनिक डाइट, एक यूनिक मेडिसिन एडवाइज्ड है। ऐसा मत कीजिए कि जो व्हाट्सएप पे मान लो एक बंदे ने कहा कि आप 8 गिलास पानी पीजिए तो आपने पीना शुरू कर दिया। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली 7 तरह की प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, वात कफ और वात पित्त कफ। उसके बेसिस पे कोई व्यक्ति अगर पानी भी पी ले तो वो मोटा हो जाता है, कोई देसी घी भी पी ले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे आपके दोषाज मैटर करते हैं, क्या प्रिडोमिनेंट है वात पित्त या कफ, तो उसके बेसिस पे ही आपके लिए एडवाइस होगी। तो ये एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। फिर यूनिवर्सल अप्रोच, जो कुछ चीजें हम कॉमन भी बताते हैं, स्ट्रेस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड यूजेनिक, यूजेनिक मतलब जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मांगा जी किसी का माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, मैं देखता हूँ जी। यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मल्टीपल एरियाज ऑफ क्लिनिकल स्ट्रेंथ, इसमें बहुत सारे एरियाज हैं जो क्लिनिकल स्ट्रेंथ जिनमें यूज करते हैं। यूनिक थेरेप्यूटिक अप्रोच, हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली उसको दवाई दी जाती है, उसको जाना जाता है कि इसको क्या सूट करेगा क्या नहीं। इसमें प्रिवेंटिव, कैसे बीमारियों से बचा जाए, प्रमोटिव, कैसे हेल्थ को प्रमोट किया जाए, प्रिडिक्टिव, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनका आप सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन वो किसी बड़ी बीमारी का स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं। तो अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलते हैं तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेटर ऑन आपको ये बीमारी होने वाली है। पार्टिसिपेटरी, पेशेंट पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है कि ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है, तो उसके बेसिस पे भी हम और चीजें बेटर जान पाते हैं और बेटर गाइड कर पाते हैं, और क्यूरेटिव, और ये ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। फिर आयुर्वेदिक नॉलेज सिस्टम में 8 ब्रांचेस हैं, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, आई एंड ENT, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, जुरेट्रिक्स, रिजुविनेशन। इसमें बीमारी के कारणों को जाना जाता है, फिर उसकी मैनेजमेंट करते हैं और इसका इफेक्ट देखा जाता है। होलिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं हम लोग,
इसमें बायो प्यूरिफिकेशन है, जिसमें कई लोगों ने सुना भी होगा पंचकर्मा प्रोसीजर्स वगैरह है, जो सीजनल पंचकर्मा प्रोसीजर्स लोग बिना किसी बीमारी के भी करवाते हैं, तो टॉक्सिन्स बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट या कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। ओरल मेडिकेशन में हम दवाइयाँ देते हैं, डाइट एक्सप्लेन करते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं, योगा एंड मेडिटेशन भी एक्सप्लेन करते हैं। अब आता है एपिडेमिक्स इन आयुर्वेदा, जो आज ये डिजीज फैली हुई है, आयुर्वेदिक्स का वर्णन है या नहीं। जनपदोध्वंस रोग हमारी चरक संहिता जो टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशनड है, इसमें ये बताया गया था जब आपका वायु, जल, देश और काल दूषित हो जाए, पूरा जनपद जो है किसी डिजीज से अफेक्टेड हो, तो उसको जनपदोध्वंस रोग कहते हैं। अब कोविड में भी इस टाइम यही हो रहा है, एयर से भी हो रहा है ये, तो हमारी हवा भी अब शुद्ध नहीं है, उसमें सांस लेंगे, जरूरी नहीं कि आपको कोई और इन्फेक्ट करे, आप एयर से आपको वैसे भी इन्फेक्शन हो सकती है। अगर हम एक रिसर्च की बात करो तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सभी लोग अपने घर पे अगर हवन करें, या डेली आप वैसे 21 बार गायत्री मंत्र बोल के, किसी भी हवन कुंड है तो उसमें, नहीं तो किसी आयरन कंटेनर में आप उसको थोड़ी सी सामग्री को धूपित करके रख दें और पूरे घर पे उस धुएं को फैला दें, तो हम कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। फिर औपसर्गिक रोग, ये हमारी सुश्रुत संहिता भी एक टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो आप एक दूसरे के बिल्कुल पास ना बैठें, एक दूसरे के कपड़े यूज ना करें, खाना इकट्ठे ना खाएं, एक दूसरे का सामान यूज ना करें, यही तो सारी एडवाइजरी कोविड में दी हुई है जो मेंशन्ड है हमारी बुक्स में। फिर एक और चीज बताई गई है कि जरूरी नहीं हर डिजीज का नाम हो, अनुक्त व्याधि इन आयुर्वेदा, आप उसको वात पित्त कफ के बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया, जीका वायरस, सार्स, कोविड, ये कई नए वायरस, वायरल डिजीजेस हैं जो नई डिस्कवर हुई हैं। एक एक डिजीज के लिए अगर एक एक वैक्सीन और ट्रीटमेंट अगर बनने लगा तो अभी तो पता नहीं कितने वायरस और आने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके इन चीजों का अंत होगा। फोर फोल्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, जिसमें एक डॉक्टर होता है, फिजिशियन, एक प्रॉपर मेडिसिन हो, पेशेंट भी प्रॉपर हो। पेशेंट प्रॉपर, आप सोचेंगे मैं क्यों कह रही हूँ, पेशेंट ऐसा होना चाहिए जो डॉक्टर की बात पूरी तरह माने, उसको सरेंडर कर दे, वो खुद डॉक्टर ना बने, और नर्सिंग स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसमें सेवा भाव हो, यानी पेशेंट की मदद करने की जिसमें इच्छा हो। सॉरी, कोविड वायरस एक लार्ज फैमिली वायरसेस की है जो इलनेस कर रही है, कॉमन कोल्ड से लेके बहुत सारी सीवियर डिजीजेस भी और हो रही है। गंभीर, अपना माइक बंद करिए, अपना माइक म्यूट करिए। WHO ने COVID-19 को एक पेंडेमिक घोषित किया है और 2 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ लो टू मॉडरेट ग्रेड कंटिन्यूस फीवर, इसमें सिम्टम्स कफ, डिस्निया, फीवर, माइल्जिया, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और राइनोरिया होते हैं, यानी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, गले में दर्द, स्मेल का चले जाना या टेस्ट का चले जाना, पेट खराब होना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, जुकाम होना। और इसमें और जो साइंस देखने में आ रहे हैं, टेकिनिया, बहुत तेज सांस लेने लग जाता है पेशेंट, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सबको पता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। इसमें COVID-19 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में 3 चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिंग द वायरस एंटरिंग टू आवर सेल्स, ये है आयुर्वेदा प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, यानी आप इन्फेक्ट ही ना हो, इसके लिए क्या करना है। फिर अगर वायरस एंटर कर भी गया है, स्टॉपिंग इट्स रेप्लिकेशन इफ इट गेट्स इनसाइड द सेल्स, सिम्टोमेटिक आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, अगर एंटर कर गया है तो हम ये बताएंगे। फिर है रिड्यूसिंग द डैमेज दैट अकर्स टू आवर टिश्यूज, अगर डैमेज, अगर आपको ये हो गया है तो आपके टिश्यूज को ज्यादा डैमेज ना हो, उसको अगर जो डैमेज कुछ हो बाद में भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स पेशेंट्स को हो रहे हैं, तो ये 3 चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये आयुर्वेदिक प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। फर्स्ट, ये योगा आप थोड़ा सा घर पे सारे कीजिए आजकल, जिसमें आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सिटिंग पोस्चर कर सकते हैं, या सुपाइन, सीधे लेट के, उल्टे लेट के कुछ योगा कर सकते हैं, रिलैक्सिंग पोस्चर्स जैसे शव आसन या मकर आसन कर सकते हैं,
प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं सबसे, सारे कीजिए इस टाइम, ऑक्सीजन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है और इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है कि ये हेल्प करता है। उल्टे लेट के भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में हॉस्पिटल्स की हालत क्या हो रही है। तो बेटर है कि ये चीजें आप खुद सारे कीजिए, किसी को है या नहीं है वो बाद में एक बात की बात है। ये है आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स। स्टार्टिंग में सब लोग बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, अब सब कुछ छोड़ दिया इसलिए कंडीशन हो गई है। दोबारा से सब लोग एक्टिव हो जाइए और बचिए इस पेंडेमिक से। आपको करना है, एक तो आपको नस्य लेना है सुबह, दो दो ड्रॉप्स अनु तेल की दोनों नॉस्ट्रल्स में नाक में डालिए, पिल्लो निकाल के बेड पे लेट के आप इसको कर सकते हैं। और इससे आपके बालों में इम्प्रूवमेंट होती है, मेमोरी इम्प्रूव होती है, आईज इम्प्रूव होती है, फेस का ग्लो बढ़ता है, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसको लीजिए। गार्गलिंग कीजिए सुबह डेली, पानी में नमक और हल्दी डाल के आप सुबह गार्गल्स कर सकते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाएं नाक में तेल लगा के जाइए, जब आप बाहर से घर पर आए तो पानी में नमक और हल्दी डाल के आते ही सबसे पहले हाथ धोने के बाद गार्गल्स कीजिए, फिर कोई और काम कीजिए। स्टीम इनहेलेशन, पानी में तुलसी, अजवाइन, पुदीना, इनमें से कोई एक चीज दो या तीनों मिक्स करके आप स्टीम ले सकते हैं। अगर किसी को सांस में दिक्कत है, प्रिवेंशन के तौर पे भी अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो आप स्टीम ले लीजिए। अभी योगा कीजिए, फिर गोल्डन मिल्क 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के आप सुबह शाम ले सकते हैं। आयुष क्वाथ, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, लोग 25-25 चीजें मिक्स करके आयुष क्वाथ बना रहे हैं। सिर्फ 4 या 5 चीजें गवर्नमेंट ने मेंशन की हैं, सिर्फ आप उतना ले लीजिए। इसके बाद जो ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इसमें, इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है जिसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए प्लीज इसके अलावा कुछ भी मत डालिएगा। ये मैं अभी दोबारा से आयुष क्वाथ आगे आएगा वो एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। ड्रिंक वार्म वाटर, क्योंकि इस टाइम ये पीक पे है पेंडेमिक, तो आप लोग गर्म पानी पिए तो बेटर है, क्योंकि रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए गर्म पानी ज्यादा बेटर है। ये मसाले जो सिर्फ मैं मेंशन कर रही हूँ, इन्हीं को ज्यादा यूज कीजिए, हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन, क्योंकि ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इसलिए एडवाइस किए गए हैं। फिर च्यवनप्राश ले सकते हैं आप, ये बेस्ट इम्यूनिटी एजेंट है, और जिनको शुगर है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। आंवला खुद ही एक रसायन है इसलिए, और च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए ये एडवाइस किया गया है। ये है आयुष क्वाथ। इसमें अगर आप लोगों ने इसको घर में बनाना है तो आपने क्या करना है, 3-4 पत्ते तुलसी के लीजिए, 1 पिंच दालचीनी लीजिए, या अगर टुकड़ा है तो आप 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक ले लीजिए, 3-4 काली मिर्च डालिए, 1 चुटकी सौंठ डालिए और 2-3 मुनक्के डाल सकते हो। इसको आप 1 कप पानी में बॉयल कीजिए, सिम पे बॉयल कीजिए, 5 मिनट उबलने दीजिए, फिर उसको गैस को बंद कर दीजिए, उसको पड़ा रहने दीजिए। 5 मिनट बाद आप उसको छान के पी लीजिए। अगर आप उसको मीठा करना चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, और अगर आपको नींबू डालना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आयुष क्वाथ में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग इसमें हल्दी भी डाल रहे हैं, अजवाइन भी डाल रहे हैं, कुछ जरूरत नहीं है। ये जो बताया गया है ये बहुत रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना पी लीजिए आप। भाई ये तुलसी, दालचीनी, शौंठी, काली मिर्च, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसके, जो कफ, कोल्ड और फीवर में बहुत हेल्पफुल है। जिनको भी इस टाइम कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, या कोविड हो चुका है, या प्रिवेंशन के लिए भी आप लोग इसको अभी ले लीजिए, ताकि और लोग इससे अफेक्टेड ना हो। गोल्डन मिल्क मैंने बताया, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ये विद रेफरेंस मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, क्योंकि जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ, एक तो ये गवर्नमेंट की उससे है, दूसरा ये बहुत ज्यादा ह्यूज साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे बनाई हुई है, इसलिए इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप कर लें तो मोर देन सफिशियंट है। ये अनु तेल जो मैंने बोला था, इसमें अगर अनु तेल अवेलेबल नहीं है तो आप तिल का तेल, नारियल का तेल या देसी घी भी यूज कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों साइड नोज में। ये बेसिकली क्यों बोल रही हूँ मैं नस्य डालने के लिए, एक तो ये एक बायोमास का काम करता है, हमारे नोज में एक प्रिवेंटिव लेयर बन जाती है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इजिली अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो ये आप करेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे इस टाइम। स्टीम इनहेलेशन, अगर
कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर भी गया है तो काफी हद तक स्टीम से उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। पुदीने के पत्तों की, अजवाइन की या तुलसी की स्टीम आप ले सकते हैं। ड्राई कफ या सोर थ्रोट में भी ये हेल्पफुल है। सनशमनी वटी, अगर किसी को फीवर है, स्टार्टिंग अभी बिल्कुल माइल्ड सा फीवर है या बॉडी एक हो रहा है, तो आप इसको सुबह शाम एक एक गोली आप ले सकते हैं। डाइट, सब लोगों का ये क्वेश्चन है कि डाइट क्या लेनी है। बुखार की वटी आप जरा दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, ये सनशमनी वटी टेबलेट है, बेसिकली ये गिलोय गन वटी भी इसी का दूसरा नाम है, वो इसका कंटेंट वही है, गिलोय है इसमें सिर्फ, तो उसका एक्सट्रैक्ट है ये आप ले सकते हैं। गिलोय गन वटी भी ले सकते हैं अगर ये नहीं मिलती तो। अब आती है डाइट। एक चीज मैं और बता दूं बीच में, मेरी दो वीडियोस, एक तो कोविड एडवाइजरी की और एक डाइट की, ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरी कोविड पेशेंट्स के लिए, पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए डाइट्स मैंने बताई हुई है, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6 के 6 रस अपनी डाइट में लीजिए, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कषाय रस। अब होता क्या है, आजकल पेशेंट्स या कॉमन मैन भी सिर्फ टेस्टी चीजें डाइट में रह गई हैं, कड़वा बच्चे नहीं खाते, घरों में बनता ही बहुत कम है, अब लोग सोचते हैं ठीक है बच्चे ने नहीं खाना उसको आलू दे दो, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज, कैंसर, इम्यूनिटी कम होना, ये चीजें वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमारी डाइट में 6 के 6 रस अगर हो, अगर आप कड़वा रूटीन में खा रहे हैं तो आप मीठा भी बर्दाश्त, आपकी बॉडी एडजस्ट कर पाएगी, तो इसलिए ये 6 के 6 रस अपनी डाइट में रखिए। फिर आता है व्हेन वी ईट, कब खाएं, 2 बजे से पहले आपका हैवीएस्ट मील हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आजकल लॉकडाउन है या अभी कुछ भी चीजें खुल नहीं रही तो 12 बजे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 4 या 5 बजे आप लोग लंच कर रहे हैं, 10 बजे या 11 बजे आप लोग डिनर कर रहे हैं, तो ये भी तो इम्यूनिटी को खराब करने के लिए एक सिस्टम है, ये नहीं करना। आप अपना रूटीन ठीक कीजिए, 2 बजे से पहले 1-1.5 बजे तक लंच कीजिए, सुबह 8-8:30 तक ब्रेकफास्ट, 6 बजे तक जो भी आपने हल्का सा डिनर कुछ लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद जैसे सूर्यास्त हो गया है, बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको भी रेस्ट चाहिए। और फिर आता है कितना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग अक्सर डाइटिशियन से डाइट चार्ट तो ले लेते हैं कि कितना हमें लेना चाहिए, आज की डाइट ये है, 4 ब्रेड पीस लिए, 1 कटोरी दाल लेनी है, 1 कटोरी फ्रूट लेना है, लेकिन उस डाइटिशियन को आपका उस टाइम का स्टेटस नहीं पता कि आपकी भूख कितनी है। आपकी डाइट होनी चाहिए अपनी भूख के हिसाब से, अगर आपको कम भूख है तो आप कम खाइए, अगर आपको ज्यादा भूख है तो आप ज्यादा खाइए, और आपको सॉलिड फूड्स 50% लेने चाहिए, लिक्विड फूड्स 25% लेना चाहिए, और 25% आपका पेट खाली रहना चाहिए। ये नहीं कि आप पेट फटने के बराबर खाना खा लें, तो इतना डाइजेशन के लिए स्पेस आपको पेट में खाली छोड़ना चाहिए। फिर आता है डाइट गाइडलाइंस इन कोविड मैनेजमेंट। इसमें अदरक का पीस 1 सेंधा नमक लगा के आप खाने से पहले डेली ले सकते हैं। हल्के खाने लीजिए, जैसे कि मूंग की दाल या उसका सूप, सब्जियों का सूप, अगर कोई नॉनवेज लेता है तो मीट का सूप ले सकता है, मूंग और चावल की खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग से मतलब मूंग साबुत दाल है, और गाय का देसी घी लगा हुआ फुलका ले सकते हैं। सब्जियों में आप घिया, तोरी, भिंडी, सीताफल वगैरह ले सकते हैं। स्पाइसेस, जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, अजवाइन वगैरह ले सकते हैं, धनिया भी। और अगर आपको भूख ठीक लग रही है, आपका खाना पच रहा है, तो आप नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे आ सकते हैं अपनी भूख के अकॉर्डिंगली। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सुबह जल्दी उठिए, गर्म पानी पीजिए, सुबह टॉयलेट वगैरह जाइए, उसके बाद फेस वॉश कर सकते हैं सॉरी, फिर उसके बाद आप ब्रश करके टूथपेस्ट यूज कीजिए, जो भी एस्ट्रिंजेंट टूथ पाउडर वगैरह यूज कर सकते हैं, फिर गार्गलिंग जरूर कीजिए गर्म पानी से जिसमें नमक और हल्दी डला हो, उसके बाद आप अपना गर्म पानी से फेस वॉश कर सकते हैं, फिर आप 2 बूंदे अनु तेल की दोनों साइड आपने डालनी है, और गर्म तेल आप सिर पे भी लगा सकते हैं, पैरों पे भी, होल बॉडी पे हफ्ते में एक बार आप लगा सकते हैं, और हल्की एक्सरसाइज सुबह आप कर सकते हैं। लॉन्जिविटी अ वे ऑफ लाइफ, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी,
फिर वही बात है, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी। प्रॉपर डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मसाज, योगा, मेडिटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, इसको प्लीज मेंटेन कीजिए। ये बहुत कम दिख रहा है आजकल, क्योंकि नेगेटिविटी हो रही है चारों तरफ। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो दो बोल उसको प्रशंसा के बोल दीजिए, ताकि कुछ तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाए उसका। एडिक्वेट रेस्ट कीजिए, सीजनल पंचकर्मा करवाइए, रिजुवेनेटिंग हर्ब्स में आगे एक्सप्लेन करूंगी। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, लोग पूछेंगे, मैं सब कुछ बता रही हूँ, किस बेसिस पे बता रही हूँ। आर देर एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन थेरेपीज दैट कैन प्रिवेंट और क्योर कोविड-19? यस, इसके बहुत से मेरे गूगल पे रिव्यूज देख सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री के तीन हॉस्पिटल्स हैं जिसपे कोविड पेशेंट, जो कोविड सेंटर बने हुए हैं, और उनमें प्रॉपर आयुर्वेदिक थेरेपी से कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं भी बेड वगैरह नहीं मिल रहे, तो आप वहां जा सकते हैं। तिबिया कॉलेज है खेड़ा डाबर में, गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है आयुष मिनिस्ट्री का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तीनों में कहीं भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये किसने प्रिपेयर किया, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलके ये बनाया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इज देयर एनी साइंटिफिक रैशनल? यस, लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। व्हाट इज इम्यूनिटी इन आयुर्वेदा? इम्यूनिटी है रोगों से लड़ने की क्षमता, और आपके अंदर कितना ओज है, कितना आपके अंदर शक्ति है, ये भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली इम्यूनिटी है। आर द रिकमेंडेड मेडिसिन सेफ? यस। इज टेकिंग आयुष पाथ रेगुलरली इंजूरियस टू लिवर? नो, नॉट एट ऑल। आर द मेडिसिन प्रिस्क्राइब इन द प्रोटोकॉल इम्यून बूस्टिंग? यस। ये वही आयुष क्वाथ ले सकते हैं आप पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए, और मुलेठी पाउडर ले सकते हैं, गर्म पानी से गार्गल कर सकते हैं, हल्दी और नमक डाल के, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। ये कुछ, और मैं ये किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की परमिशन के बिना आप मत लीजिए, किसी को कंसल्ट करके लीजिए, मैं सिर्फ एक रफ वो बता रही हूँ कि आप अगर प्री इन्फेक्शन है आपको, तो आप गार्गल्स कीजिए हल्दी और नमक वाले पानी से 2 बार, 3 बार या 4 बार, और आप गुड़ूची पिपली चूर्ण ले सकते हैं दिन में 2 बार, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं लेकिन आप पॉजिटिव हैं तो। आयुष काढ़ा आप लीजिए 2 बार या 3 बार, संशमनी वटी या गिलोय घन वटी भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, ये 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। सुदर्शन घन वटी अगर आपको मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो, और अनु तेल जो मैंने बताया है वो आप नोज में डालिए। स्टीम इनहेलेशन तुलसी पुदीना और अजवाइन के साथ 2 बार या 3 बार या 3-4 बार। बिल्वादी गुटिका ये अगर पेट कराओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू ए फिजिशियंस एडवाइस, अपने आप नहीं लेना, अपने हार्ट में कईयों को प्रॉब्लम हो रही है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कुछ लोगों को, लंग्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेन में, मेंटल हेल्थ में और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। इसके लिए ये पोस्ट कोविड मैनेजमेंट है कि आप आयुष पाथ कंटिन्यू कीजिए, संशमनी वटी आप ले सकते हैं सुबह शाम, अश्वगंधा पाउडर आप ले सकते हैं 1 से 3 ग्राम, आंवला पाउडर ले सकते हैं, मुलेठी पाउडर ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं आप। फिर वही सब पूछेंगे किस बेसिस पे है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ रसायन। रसायन जो हम देते हैं, जैसे आप लोग रिवाइटल लेते हैं, ऐसे ये जो अश्वगंधा गुरुची वगैरह जो मैंने बताया है, ये आपके डिफेंस को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते हैं। आर द रिकमेंडेड मेडिसिन सेफ? यस, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये एडवाइस की गई है। इज देयर एनी रिसर्च वर्क डन इन आयुष फॉर कोविड-19? बहुत सारा रिसर्च वर्क हो चुका है और अभी भी चल रहा है, IIT ने भी अश्वगंधा को रिकमेंड किया है। हाउ हैज द मिनिस्ट्री इंश्योर्ड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क? इसमें ICMR, CCRS, कई और गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकमेंडिंग गुडुची? गुडुची एंटीवायरल है, गुडुची रसायन है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं इस पर, और 80,000 पुलिस कर्मियों पर इसको स्टडी किया गया है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकमेंडिंग अश्वगंधा? ये IIT में भी रिसर्च में प्रूव हो चुका है, अश्वगंधा स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारी कोविड से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हैज एनी लार्ज स्केल स्टडी बीन अंडरटेकन इन आयुष फॉर प्रोफाइलेक्टिक केयर? यस, 80,000 पुलिस कर्मियों को ये आयुष किट दी गई थी और स्टडी किया गया था कि बहुत कम कोविड केसेस हुए थे उनको। ये है रसायन, रुचि ले सकते हैं आप अश्वगंधा। एक क्वेश्चन है,
आज के दौर में लोगों को ऑक्सीजन की, जो भी घर में पेशेंट है उसको ऑक्सीजन 95 से 90 के नीचे आ जाती है, उसके लिए क्या फायदेमंद चीज है? बस ये लास्ट स्लाइड है मंगा जी, मैं आ रही हूँ इस क्वेश्चन पे, अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। आंवला, शतावरी और द्राक्षा, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। ये उसकी पिक्चर है ऑलरेडी अष्टभ आयुर्वेदा की। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चंस पे। ऑक्सीजन का आपने बोला है मुझे, ऐसा है जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, एक तो वो उल्टा लेटे हैं कंटिन्यूअसली, उससे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं और मैंने खुद देखा है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा सा बाहर बैठ के, अपने प्लांट्स के पास बैठ के, स्पेशली तुलसी के पास प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए आप, ताकि आपका लेवल डाउन नहीं जाए। और स्टीम लीजिए आप, अजवाइन में पानी में डाल के या तुलसी के पत्ते डाल के, उससे आपको बेटर होगा। मुनक्का खाइए आप लोग, और जो मैंने डाइट्स बताई हैं वो आप लीजिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप लोग। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। कोई भी अपना क्वेश्चन, कोई किसी के दिमाग में कोई चीज आ रही है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डॉक्टर साहब, अगर किसी को लूज मोशन लगे हैं तो वो ये काढ़ा पी सकता है? लूज मोशंस लगे हैं तो हो सकता है, इसके लिए मैंने जैसे एंड में बताया था, एक तो गिलोय तो कंटिन्यू कीजिए, मसूर की दाल के बिल्कुल पतली खिचड़ी, धनिया की चटनी लीजिए, और आप बिलवादी गुटिका अगर पॉसिबल है तो मंगवा लीजिए मार्केट से, और अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप मुझे बताइएगा, आप मेरे से ले लीजिएगा। थैंक यू। मुझे लगता नहीं है और किसी का क्वेश्चन है, और उम्मीद करती हूँ आपको। हाँ जी, दिमाग में होंगे किसी के क्वेश्चन, पर शर्मा रहे होंगे। मत हेजिटेट कीजिए, ये इसीलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि इस टाइम बहुत डिफिकल्ट फेस हो रहा है सबके मैं एक लिए। क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जैसे मुझे आपका खांसी सर, की आपका ज्यादा प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन। है, बोलिए संजय जी। अच्छा, बोले मेरे संजय को जी। खांसी की ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ तो आपका कोविड पॉजिटिव है? ओके, जी, हाँ जी, हाँ तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ले रहे हो? ठीक जी, ले रहा हूँ। है, आप ऐसे करो, एक तो लौंग का पाउडर शहद में मिक्स करके उसको ले लीजिए, दिन में 1/3 टीस्पून, दिन में 3 या 4 बार। हल्दी ठीक वाला है, दूध लीजिए आप, आयुष काढ़ा स्टार्ट कीजिए, तो इससे हो जाएगा आपका ये। और खांसी मेरे को सूखी होती है ज्यादा ना। वो इसमें ड्राई कॉफी हो रही है ज्यादातर, ये कीजिए आप, इससे फर्क पड़ जाएगा आपको। हल्दी जरूर पीना, लौंग का पाउडर और चाय में मिला के। और हल्दी वाला दूध जरूर लेना रात को। ठीक है, धन्यवाद। मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरे काफी रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, 8 से 10 दिन होने को आए हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो क्या करें? खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसीलिए जो मैंने अदरक बोली थी ना स्टार्टिंग में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एपेटाइट इम्प्रूव करती है हमारा, इसलिए अदरक पे नमक लगा के उसको खाएं, वो च्यू करें, उसको मुंह में रखें, तब उनका भूख स्टिमुलेट होगी तो वो लंच या जो भी मील ले पाएंगे, और लाइट मील्स लें, दो अच्छा, ये दिन में कितनी बार ले सकते हैं अदरक? अच्छा, 3 बार ले सकते हैं। थैंक यू। कोई और पूछना चाहता है अपना प्रश्न? चलिए ठीक है, मैं मेरे ख्याल मीटिंग भी ठीक हुई, क्योंकि मेरा और ऐसा कोई है, मैंने किसी मैंने किसी को को काढ़ा काढ़ा रिकमेंड किया रिकमेंड किया था, था तो अब वो कह वो रहे हैं कह कि रहे मुझे हैं कि बहुत मुझे बहुत गर्मी गर्मी लगती है, लगती है, एसिडिटी एसिडिटी होती है। होती है। नहीं, काढ़ा काढ़ा खाया खाया है, है। जो मैंने बोला है यही, इतना ही लिया था काढ़ा।
आयुष का वो काढ़ा आता है ना, उनको बोलो उसकी क्वांटिटी कम करें और उसमें किशमिश डालें एक दो, किशमिश। हाँ एक पिंच 1/3 टीस्पून ले लें बस, इतना सफिशिएंट है अभी। कुछ अच्छा ठीक है। लोग आप कुछ पूछना चाहते हैं? उसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा चीजें डाल रहे हैं, बहुत अगर भर भर के काली मिर्च डालेंगे तो वो दिक्कत होगी ना, आप समझ रहे हैं। तो जितना मैंने बताया है उतना आप काफी है वजन के लिए, ओके ठीक है। बाकी आप लोग और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट आप लोग शेयर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, जल्दी इस नॉर्मल लाइफ लाइफ सकती है। रीना जी, चित्रा जी, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चित्रा जी, आपकी आवाज आवाज हो रही है। जो हम बोल रहे हैं वो हमें सुनाई दे रही है। संजय जी आप अपना बंद कर दीजिए, म्यूट करिए आप संजय जी। हाँ बोलिए चित्रा जी। Yes, we can have the session again after one or two days. ओके रीना जी, चित्रा जी बोल रही हैं कि मैं ये दोबारा से ज्वाइन करना करना तो हम सोचते हैं एक दो दिन के बाद रख लेंगे ठीक है। वैसे ये मैंने ना पूरी इस सेशन की रिकॉर्डिंग की है, तो जिन्होंने भी जिनका रह गया है मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दोबारा से कुछ पूछना हो तो मैं दोबारा से इस सेशन को डॉक्टर साहब से कह के दोबारा से इस सेशन ले लेंगे किसी ऐसे टाइम पे जो सबको सूट करता होगा। हेलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज। हेलो, बंद हो गया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये ना मेरा बेटा है 21 साल का, उसका माइग्रेन है रहता, उसको इस टाइम काफी ज्यादा बड़ा हुआ है उसका। रोज में बादाम का तेल डालिए। हाँ जी, अभी बस इतना ही गाइड कर पाऊंगी आपको, और बाकी तो फिर उसके लिए आपको मेडिसिन दिलवानी पड़ेगी। अभी इतना कीजिए, उसको बेटर हो जाएगा इससे। उसके ना रेशा निकलता नहीं है, हमेशा जमा जमा रहता है, बहुत जोर लगा के निकालता है। तो आयुष काढ़ा भी दीजिए साथ में फिर। अच्छा, थैंक यू। ओके थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू।